दोस्तों, अगर आपको गेमिंग करना और सेल्फी लेना पसंद है तो आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी क्वालकॉम ने लॉन्च कर दिया है स्नैपड्रैगन 675 SoS प्रोसेसर। तो देखते रहिए इस वीडियो को, आज मैं आपसे इसी के कुछ बेहतरीन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित, आप देख रहे हैं टेकनंदन। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, क्वालकॉम प्रोसेसर में चिप मेकर ने 11 nm LPP प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो आता है स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट, क्वालकॉम AI इंजन, क्वालकॉम स्पेक्ट्रम 250 LISP, क्वालकॉम क्रियो 460 CPU और क्वालकॉम एड्रिनो 612 GPU के साथ में। कंपनी का दावा है कि इसकी मदद से यूजर को गेमिंग और कैमरे का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसका इस्तेमाल मिड रेंज कैटेगरी के स्मार्टफोन में किया जाएगा, जिसका पहला स्मार्टफोन 2019 के पहले मंथ में आ सकता है। ये स्नैपड्रैगन 600 सीरीज का लेटेस्ट चिपसेट है। क्वालकॉम ने इससे पहले अगस्त में ही स्नैपड्रैगन 675 चिप को लॉन्च किया था। दोस्तों, अब नज़र डाल लेते हैं इसके मेन फीचर्स के ऊपर। कंपनी ने बताया कि स्नैपड्रैगन 675 SoS चिपसेट कैमरे के टेलीफोटो, वाइड एंगल, सुपर वाइड इमेज कैप्चर को सपोर्ट करेगा, साथ ही पोर्ट्रेट मोड, 3D फेस अनलॉक और हाई क्वालिटी सेल्फी भी ले सकेगा। इसके अलावा स्नैपड्रैगन 675 चिपसेट फ्रंट में भी 5x ऑप्टिकल जूम के साथ ट्रिपल कैमरे को सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही इसमें 480 FPS में स्लो मोशन में HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी। नया चिपसेट 8GB तक की रैम और क्विक चार्जिंग 4+ टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करेगा। इसमें मल्टी कोर AI इंजन दिया गया है, जिसकी मदद से AI ऐप का इस्तेमाल करने में 50% तक की तेजी आएगी। कंपनी के मुताबिक इन नए चिपसेट्स को गेमिंग को ध्यान में रखकर उतारा गया है और इसकी मदद से यूजर्स को गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलेगा। इसकी मदद से गेम 30% तक, म्यूजिक 15% तक और ब्राउजिंग में 35% तक की तेजी आएगी। दोस्तों, बस यही थी आज की मेन टेक वीडियोस। इसी के साथ अगर आपको यह वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक पेज टेक नंदन को भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।